हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मॉन। आज हम बनाएंगे फायरलेस पिज़्ज़ा रेसिपी विदाउट चीज़। तो चलिए आज का ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड और यहाँ पे कुछ वेजीज जैसे कि स्लाइस्ड गाजर, टमाटर, अनियंस, यहाँ पे कुछ क्रश टमाटर है और फाइनली चॉप टमाटर और प्याज। यहाँ पे आप इन सब वेजीज के जगह आपका कोई फेवरेट वेजी है वो भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़। ये देखिए, यहाँ पे हम मेयो निकाल लेंगे। इसके बाद जो चॉप्ड टमाटर और प्याज था इसे हम डाल लेंगे और मटर भी डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा मटर डाला है और आधा रख दिया है गार्निशिंग के लिए, टॉपिंग के लिए। तो ये सब डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हम मेयोनीज़ में मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे इतना अच्छा बनेगा। ये बिल्कुल फायरलेस टेक्निक है, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो अब ब्रेड पे हम नीचे इस तरह से इस पे टमेटो सॉस लगा देंगे, अच्छे से पूरा स्प्रेड कर लेंगे। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था मेयोनीज़ और वेजीज़ का, उसे इस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। पूरे ब्रेड पे इवनली हम स्प्रेड करेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम इसको टॉप करेंगे। तो टॉपिंग्स के लिए जो हमने रखा था वेजीज, तो सबसे पहले गाजर, अनियंस, टमेटो सब कुछ से हम इसे टॉप कर लेंगे। फिर जो क्रश्ड मटर रखा था उसे भी, आप चाहे तो अपने मनपसंद वेजीज का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेगानो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए और चिली फ्लेक्स। इस तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा एकदम पिज़्ज़ा जैसा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऊपर से टमेटो सॉस डालेंगे। तो ये एक पैकेट टमेटो सॉस का लेके सैशे, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है और अब इससे बहुत ही अच्छा इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ऊपर से। आप नॉर्मली भी टमेटो सॉस डाल सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार हो गया। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।